टू 4:30 के बीच में फलकनुमा पीएस लिमिट्स में काजी चमन रोड के ऊपर दो व्हीकल्स का एक्सीडेंट हुआ है और दोनों व्हीकल्स कार्स हैं। एक व्हीकल जो है वो स्कॉर्पियो है जिसमें कुछ दो हिंदू लड़के उसमें ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से जो है जो ड्राइव कर रहा था लड़का जिसका नाम आनंद है वो एक MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं और उनके घर में कुछ फंक्शन है, कुछ डे आफ्टर टुमारो कुछ मैरिज है उनके उनके घर में, जिसके सिलसिले में वो बाहर कुछ काम से जा रहे थे। और जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें जो कि इनोवा व्हीकल है उसमें ड्राइवर अहमद नाम से और उसमें उनके साथ में कुछ 8 लेडीज़ थी, वो लोग जो है काजी चमन की तरफ जा रहे थे और दोनों अपोजिट साइड से व्हीकल जा कर के दोनों का एक्सीडेंट हो गया। स्मॉल एक्सीडेंट था लेकिन आपस में क्योंकि सडनली रोड के ऊपर हुआ तो दोनों ग्रुप नीचे उतर के आपस में थोड़ी बहस करके दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया, जिसमें से जो है दोनों ग्रुप्स को माइनर इंजरीज हैं। तो इसमें जो है मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि इसमें जो है इट इज़ एन एक्सीडेंट केस, जिसमें जो है पुलिस की तरफ से हम इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं। हमारी पुलिस इमीडिएटली स्पॉट पर पहुंच गई थी बहुत कम समय में और उनको वहां से डिस्पर्स करा के PS में ले जा करके दोनों साइड से हम लोग केस बुक कर रहे हैं और उसमें करेक्ट जो उसमें फैक्ट्स हैं उसको देख करके उसमें हम लोग पूरा उसमें छानबीन करके इन्वेस्टिगेशन करके दोनों के जो जो भी उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है वो हम लेंगे। तो पब्लिक से मेरी यही अपील है कि इसमें जो है कोई भी इस तरह की अफवाह में या कोई र्यूमर में आप लोग नहीं आएँ कि इसमें कोई भी कम्युनल इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि ये एक सिर्फ जो है रोड एक्सीडेंट का मामला है जिसमें कोई पहले से कोई किसी की प्री प्लानिंग नहीं है कि सोच करके आए हैं इस तरह से करना है। खाली जो है इट्स अ चांस कि दो गाड़ियाँ आपस में अपोजिट साइड से आ रही थी और उनके आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से ये छोटा सा वाकयात हुआ है। तो रिलीजियस लीडर्स से भी और पब्लिक से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करिए और कोई भी अफवाह वगैरह रहे तो उसको पब्लिक को सही बात क्या है उसको आप लोग बताइए, ताकि जो लोगों में कोई इस तरह का डर वगैरह पैदा नहीं हो।